हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंट गुरु विद केके। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 69 बीपीएससी करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट वन करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन का सेट है और वो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स को हमने कवर किया है जो आपके एग्जाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड 2023 देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसे यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी सत्य नडेला, ऑप्शन सी शांतनु नारायण, ऑप्शन सी नील मोहन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी नील मोहन। क्वेश्चन नंबर 3। प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए 16 फरवरी 2023, ऑप्शन बी 30 जनवरी 2023, ऑप्शन सी 1 फरवरी 2023, ऑप्शन डी 10 फरवरी 2023। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 16 फरवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए शिव प्रताप शुक्ल राजपाल हैं हिमाचल प्रदेश के, देखिए राजपाल और राज की बात करेंगे। ऑप्शन बी गुलाब चंद कटारिया राजपाल हैं असम के। ऑप्शन सी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर राजपाल हैं बिहार के। ऑप्शन डी बीवी हरिचंदन राजपाल हैं झारखंड के। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा राइट आंसर इज ऑप्शन डी बीवी हरिचंदन झारखंड के, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है हमारे बिहार के राज्यपाल, गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हैं, एंड शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 और इसके पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन डी गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 7। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.9%, ऑप्शन बी 5.9%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 2.3%। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2.9%। आठवां क्वेश्चन। जनवरी 2023 में त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिल्लीगुड़ी, ऑप्शन बी शिलांग, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी न्यू जलपाईगुड़ी। डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर ऑप्शन ए सिल्लीगुड़ी। क्वेश्चन। हाल ही में पटना में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल महिला वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए निशा कुमारी, ऑप्शन बी सोनी कुमारी, ऑप्शन सी खुशी कुमारी, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी खुशी कुमारी। क्वेश्चन। फरवरी 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। राइट आंसर इज ऑप्शन बी नई दिल्ली। 11वां क्वेश्चन।
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया गया है। ऑप्शन ए 6 से 6.8%, ऑप्शन बी 7 से 7.2%, ऑप्शन सी 6.5 से 6.9%, ऑप्शन डी 7.1 से 7.8%। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 6 से 6.8%। 12वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार रक्षा क्षेत्र में कुल व्यय का कितने प्रतिशत व्यय अनुमानित है? ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 12%। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 8%। 13वां क्वेश्चन, बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर स्लैबों की संख्या कितनी की गई है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। डियर स्टूडेंट्स, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, मैंने पिछले करंट अफेयर्स का सीरीज किया उसमें भी ये क्वेश्चंस हमने लिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5। 5 टैक्स स्लैबों की संख्या नए 23-24 के आयकर में की गई है। क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत नवंबर 2023 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में विश्व में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी पांचवा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी छठा। क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण के लिए घोषित दिलीप महालनोबिस का संबंध किस क्षेत्र से है? दिलीप महालनोबिस का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए सामाजिक कार्य, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी विज्ञान और इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी औषधि। राइट आंसर इज ऑप्शन डी औषधि। 16वां क्वेश्चन, 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए कितना धन आवंटित किया? ऑप्शन ए ₹50 करोड़, ऑप्शन बी ₹100 करोड़, ऑप्शन सी ₹150 करोड़, ऑप्शन डी ₹80 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ₹100 करोड़। 17वां क्वेश्चन, वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले श्री श्रीनिवास वर्धन किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक कार्य, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी साहित्य एवं शिक्षा, ऑप्शन डी विज्ञान और इंजीनियरिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन डी विज्ञान और इंजीनियरिंग, श्रीनिवास वर्धन। क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने देश के दूसरे व बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहां किया है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी पटना। राइट आंसर जो ऑप्शन सी मुंगेर। 19वां क्वेश्चन, हॉकी विश्व 2023 में भारतीय टीम किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 8वें, ऑप्शन बी 9वें, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी 5वें। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 9वें स्थान पर, हॉकी विश्व कप 2023 में। 20वां क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की बात हो रही है, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर इज ऑप्शन महाराष्ट्र। 21वां क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग WPL के पहले संस्करण की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन सी एशले गार्डनर, ऑप्शन डी जेमिमा रॉडिक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 109, ऑप्शन डी 101। राइट आंसर ऑप्शन बी 106। 23वां क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में 5 सर्वाधिक आकांक्षी जिलों में बिहार के कौन से जिले शामिल है? ऑप्शन ए गया नवादा, ऑप्शन बी पटना नालंदा, ऑप्शन सी रोहतास और कैमूर, ऑप्शन डी बांका और कटिहार। राइट आंसर इज ऑप्शन डी बांका और कटिहार। क्वेश्चन,
जनवरी 2023 में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए साइंस सिटी अहमदाबाद, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। राइट आंसर इज ऑप्शन ए साइंस सिटी अहमदाबाद। 25वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया है? ऑप्शन ए बी डी मिश्रा, ऑप्शन बी ला गणेशन, ऑप्शन सी शिव प्रताप शुक्ल, ऑप्शन डी रमेश बैस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बी डी मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहां हुआ? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी जोधपुर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 27, 7 फरवरी 2023 को भारत के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का अनावरण किसने किया? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राइट आंसर इज ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन, कबीर कोहिनूर सम्मान बिहार के किस शिक्षिका को दिया गया है? ऑप्शन ए सुधा सिन्हा, ऑप्शन बी निशा सिन्हा, ऑप्शन डी प्रेमलता सिन्हा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट्स, रिपीटेड क्वेश्चन से मेरे, अगर आपने पार्ट वन का वीडियो देखा होगा, करंट अफेयर सीरीज का पार्ट वन सेट वन, तो पक्का आपको याद होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सुधा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान का शुभारंभ कब किया? ऑप्शन ए 3 फरवरी 2023, ऑप्शन बी 31 जनवरी 2023, ऑप्शन सी 10 फरवरी 2023, ऑप्शन डी 15 फरवरी 2023। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 31 जनवरी 2023। नंबर 30, 19 फरवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? ऑप्शन ए विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी जयंती, ऑप्शन सी विश्व दलहन दिवस, ऑप्शन डी संत रविदास जयंती। राइट आंसर इज ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी जयंती। 31वां क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार ने कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय योजना की पहल पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहां हुआ? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। राइट आंसर इज ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। सरस आजीविका मेला 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। 34वां क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार 2023 की सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 25। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 19। 35वां क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू भारत के किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में हुई खोजों के आधार पर कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी अरुण, ऑप्शन डी अरुण। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बृहस्पति। 37वां क्वेश्चन, 65वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट इमर्सिव ऑडियो के लिए एल्बम डिवाइन टाइड्स को चुना गया, यह एल्बम किसका है? ऑप्शन ए सैम स्मिथ, ऑप्शन बी वाउटर कैलरमैन, ऑप्शन सी किम पेट्रस, ऑप्शन डी रिकी केज। राइट आंसर इज ऑप्शन डी रिकी केज। 38वां क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप
2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बेल्जियम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी बेल्जियम। 39th क्वेश्चन, जनवरी 2023 में संपन्न महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के पहले संस्करण में भारत ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंग्लैंड। T20 क्वेश्चन नंबर 40, 40वां क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी के रूप में किसकी घोषणा की गई? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, ऑप्शन ए विजयवाड़ा, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी अनंतपुर, ऑप्शन डी काकीनाडा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। 41वां क्वेश्चन, 18वीं निज डैम 2023 खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना, ऑप्शन बी मोइनुल हक स्टेडियम पटना, ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह स्टेडियम आरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट्स, रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना। 42वां क्वेश्चन, मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर जारी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में सबसे ऊपर हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑप्शन सी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑप्शन डी मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। राइट आंसर जो ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर जो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, मोहल्ला लोक अदालत। 44वां क्वेश्चन, बिहार के 41वें राज्यपाल किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए चक्रधारी शरण सिंह, ऑप्शन बी बीडी मिश्रा, ऑप्शन सी राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आपके इसी वीडियो में मैच करने वाला राज्यपाल और राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो आप बताएं कि बिहार के 41वें राज्यपाल किसे बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45वां क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी चेन्नई। राइट आंसर जो ऑप्शन बी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर 16 फरवरी 2023 को जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए वडोदरा गुजरात, ऑप्शन बी आबू रोड सिरोही राजस्थान, ऑप्शन सी लालपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नागपुर महाराष्ट्र। राइट आंसर इज ऑप्शन बी आबू रोड सिरोही राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वां क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी कब प्रदान की? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ऑप्शन ए 28 फरवरी 2023 को, ऑप्शन बी 1 फरवरी 2023 को, ऑप्शन सी 15 फरवरी 2023 को, ऑप्शन डी 21 फरवरी 2023 को। राइट आंसर ऑप्शन सी 15 फरवरी 2023 को। 43वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए मंजू कुमारी, ऑप्शन बी अंजू कुमारी, ऑप्शन सी निशा कुमारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी अंजू कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49वां क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी 2023 को अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? अनाधिकृत कोयला खनन की गतिविधियों की सूचना के लिए, ऑप्शन ए खनन प्रहरी, ऑप्शन बी रखवाला, ऑप्शन सी ऑपरेशन कोल, ऑप्शन डी इंडियन पुलिस ऑन कॉल। राइट आंसर ऑप्शन ए खनन प्रहरी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, 50वां क्वेश्चन, फरवरी 2023 में आयोजित अमृत पैक्स 2023 संबंधित है। ऑप्शन ए डाक टिकटों का 5 दिवसीय महाकुंभ से,
ऑप्शन बी वाइब्रेंट इंडिया एक्सपो से, ऑप्शन सी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से, ऑप्शन डी राज सद्भावना समारोह से। राइट आंसर जो ऑप्शन ए डाक टिकटों का 5 दिवसीय महाकुंभ से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे करंट अफेयर सीरीज का, बीपीएससी के 69 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर सीरीज का पार्ट वन सेट वन, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये आपके आगामी बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप चाहे बीपीएससी 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बिहार के अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।